कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सरिता और सरिता के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखते रहिए, अभी घर में कितने सारे काम होते हैं और मैं दोपहर का लंच बनाकर फटाफट से दुकान पर भी जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी बिस्तर को ठीक कर रहा हूँ, तो बिस्तर को ठीक कर दूँगा। और इधर देखिए मैंने बिस्तर को कर ली है ठीक। इधर हमने में भी कपड़े को सिजिल कर ली, ब्लैंकेट वगैरह को सिजिल कर ली। और ये टेबल का हालत देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है, अभी सबको ठीक करना है। बच्चे का किताब तो किधर किधर बिखरा है, सबको फटाफट से ठीक करके किचन में चलती हूँ। और इधर टेबल को मैंने थोड़ी बहुत सिजिल कर दी है, क्योंकि अभी फटाफट से किचन में जाकर खाना बनाना है, इसीलिए उतना प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं किया है। तो मैंने अभी टेबल को अच्छी तरह से सिजिल नहीं हुआ है, बस यूँ थोड़ा सा मार दी ली है। तो किचन में मिलते हैं। तो इधर है फ्रेश बिन, मैं फ्रेश बिन की भजिया बनाऊंगी एकदम सूखी करकरा। मेरे बच्चे को फ्रेश बिन की भजिया ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। इधर थोड़ी सी मेरे पालक थी तो उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये छोटी आलू है, इसी को देकर बनाऊंगी। और मेरा किचन टूटी फूटी है, देखिए कैसी हालत हुई है। तो मैं अभी फ्रेश बिन की अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और पालक को भी, और कैसे बनाती हूँ आप सबको दिखाती हूँ। इधर मैं दाल को भूज ली हूँ पालक के साथ, और मैंने पानी को चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। चावल भी साफ करके ले ली हूँ, फटाफट से चावल को धोती हूँ और चावल को पका लेती हूँ, उसके बाद में फ्रेश बिन की भजिया बनाऊँगी। और बाल्टी से थोड़ा पानी ले लेती हूँ, पानी लेकर दाल में डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा दाल कुकर में चला गया है, इसमें थोड़ी डाल देती हूँ और इसको मैं सीटी लगा लेती हूँ। दाल जब तक हो रहा है मैं चावल साफ करती हूँ, इसमें भी थोड़ी पानी डाल रही हूँ। ओह पानी तो हो गई ख़त्म, अभी लाना पड़ेगा टेबल। और पानी हो गई थी ख़त्म तो मैं भी टेबल से पानी ले रही हूँ। भर चुकी पानी, मैं लेकर जा रही हूँ, रख लूँ। ये मेरी पानी भर के आ गई, देखिए बाल्टी भर चुका है। मैं चावल को फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और चावल को कर दी है मैंने पकने के लिए, ये देखिए मैं इसमें डाल दी। बटे में ही बनाती हूँ, कुकर का चावल हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें मार रह जाती है, इसीलिए चावल ये धो चुकी हूँ। इसको ढक्कन करते हुए बन, और दाल भी चढ़ चुकी है, और जाते हैं अपने बच्चे के पास क्या कर रहा है। और ये मैंने अपने बच्चे के पास आया तो देख रहा हूँ खेल रहा है, इसका एग्ज़ाम शुरू हुए कल से हो रहा है और आज नहीं था, तो देखिए खेलने के लिए फिर भी बैठ जा रहा है। रेस लगाता हूँ कौन जीतेगा, देखो। ओ बेटे ये जीत गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बाबू क्या कर रहे हैं, खेल रहा हूँ। क्या खेल रहे हैं, और पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रहा है आज? नहीं होगा क्यों, कल इजी है इसलिए। देखिए बोल रहा है कल इजी है, कल उसका आसामी सब्जेक्ट है, उसके लिए इजी हो गया। जा 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 जा। अब मैं जाऊंगा, ये क्या इसका गियर नहीं लग रहा। और ये देखिए कितना है प्यार तरीके से। मत बजाओ मत बजाओ, शोर मत, ऐसे खेलो, शोर मत करो। ये देखिए मेरा मम्मा सब्जी काट रहा है, देखिए। और बाबू का फ्रेश बिन भुजिया बहुत ही फेवरेट है, देखिए मैं किसी किसी भाजी बनाऊंगी। ये देखिए चावल उबल रहा है, पक ही चुका है, और थोड़ी देर में इसकी मार पसा लूँगी। और इधर मैंने फ्रेश बिन को वॉश कर ली है, और एक पानी से वॉश करती हूँ। और आलू को छोटी छोटी आलू थी उसको छोटी छोटी कट कर ली हूँ, फ्रेश बिन को नहीं काटी हूँ, गोटे गोटे धो ली हूँ, अब इसको कट करूँगी। और चावल की मार को भी पसा लेती हूँ। और ये देखिए इतना सारा मार निकल गया, और अभी ये नहीं हुआ, थोड़ी सी मैं इसको फिर से सुखा लेती हूँ। आज दो दिन से सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है,
तो मैंने अभी काली चाय अदरक वाली थोड़ी सी बनाकर ले लेती हूँ। और इधर देखिए मेरा फ्रेश बीन इस तरह से मैंने कट कर ली है और थोड़ा कट करना बाकी है, तो मैं चाय एक कप और लेकर इसे बनाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाना आता नहीं है। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। तो मेरा चाय उबल गया, तो मैं इसे छक लेती हूँ। काली चाय ही लेती हूँ, काली चाय ही अच्छी लगती है मुझे। रखी गली मान दूर होते कढ़ाई हो चुकी है गरम और तेल को भी गरम कर ली है। अब मैं फटाफट से फ्रेश बीन को चौक लेती हूँ। देखिए मैं पहले आलू को थोड़ी सी हल्का सा फ्राई करने के बाद ही फ्रेश बीन को ऐड करूँगी। और आलू देखिए फ्राई हो चुकी है, मैं इसमें फ्रेश बीन को ऐड करती हूँ। तो देखिए मेरा फ्रेश बीन इसे मैंने पतले पतले शेप में काट ली है, थोड़ा इसको टेढ़ा करके। इसको क्रंची स्टाइल में फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा ढक कर नहीं पकाऊंगे, वरना ये नरम हो जाती है और मेरा बच्चा खाता नहीं है इसे। वो तो ऐसे भी सब्ज़ी नहीं खाता है, पर फ्रेश बीन उसे पसंद है। फ्रेश बीन का अगर मैं क्रंची स्टाइल में बना दूँ तो खा लेता है। और मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और मुझे सिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मुझसे जो गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ आप सबसे, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अभी सीख रही हूँ बनाने के लिए, वीडियो मुझे आ नहीं रहा है ठीक से, और मेरा मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है, और मेरे जो लाइट है किचन में या घर में तो लाइट की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, कारण चले जाने से इतना अच्छा नहीं आता। इन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। और ये देखिए हल्का हल्का फ्राई हो रहा है अभी, इसमें मैं सिर्फ हल्दी की पाउडर ऐड करूँगी और नमक। क्या हुआ बाबू? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है, रुको खाना बन रहा हूँ। थोड़ा कुछ दे दो ना। ठीक है। और इधर देखिए मेरा हरा हरा भाजी फ्रेश बीन का बनकर रेडी हो रहा है अभी, और इसे मैं फ्राई करूँगी, मीडियम स्टीम ही रखना है। और बच्चे ने मांगा था भूख लगी, तो मैंने दूध गर्म कर दी, उसे दूध थोड़ा दे देती हूँ और बिस्किट। लो बाबू खा लो फटाफट से दूध बिस्किट, मैंने उसे दूध बिस्किट दे दिया। और देखिए रो रहा है, रुको मैं चम्मच ला रहा हूँ, चम्मच ला रहा हूँ, गरम है ना, ऐसा नहीं करते ना, रुको मैं चम्मच ला रहा हूँ, रुको। दूध बिस्कुट दे दी है क्योंकि लंच तो हम लोग दुकान पर ही करते हैं और एक एक करके करते हैं। दुकान में थोड़ी सी जगह है, मैं आप सबको कभी दिखाऊँगा कैसे हम लोग दोपहर का लंच खाते हैं दुकान पर। तो अभी तो मैं देर है दुकान जाने में, खाना बन रहा है और मैं जा रहा हूँ फटाफट से सबको पैकिंग करके। और बाबू तो खा रहा है, खा लो खा लो खा लो। देखिए हल्की हल्की मैं इसे और फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, और जब तक वो पक रहा है मैं फटाफट से चावल दाल ये सबको मैं भर लेती हूँ टिफिन में और रेडी भी हो लेती हूँ दुकान के लिए। और इधर चावल है तैयार, मैं इस हॉटकेस में भर रही हूँ, भर दे रही हूँ फटाफट से। बहुत ही सुंदर होता है ऐसे चावल मार को निकाल देने से। और भाजी भी लगभग रेडी हो चुका है, अकेले में सारे काम करने पड़ते हैं, फटाफट से दुकान पर भी जाना होता है क्योंकि दुकान पर दो आदमी चाहिए। और भाजी है तैयार फ्रेश बीन की, चावल को पैक कर ली है और इधर मैं फटाफट से टिफिन में भर लेती हूँ, इधर मैं इसे इसमें भर लेती हूँ। और इधर बर्तन है, मैं इसे अभी अंदर रख रही हूँ,
फटाफट से। और ये देखिए बहुत ही सुंदर प्यारा मेरी फ्रेशबिन भाजी, मेरे बच्चे को बहुत ही पसंद है फ्रेशबिन का भजिया। और ये सूखी कोल की थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, सब्जी नहीं मतलब सूखी मसाले वाली भाजी ये सुबह बनाई थी रोटी के साथ, तो इसे भी मैं ले ली हूँ। इधर मेरा पालक वाली दाल और चावल, तो अब मैं दुकान के लिए निकलती हूँ फटाफट से। और ये देखिए मेरा बाबू, अभी हम गली से निकलकर और रास्ते की ओर जा रहे हैं, हाईवे की ओर, तब हम देंगे। चलो बाबू चलते हैं दुकान पर। ये देखिए मेरा मम्मा रिक्शा के लिए रुकी है, देखिए फिर हम दुकान में जाके मिलते हैं, बाय बाय। और रिक्शा एक आ रहा है, इसी में चले जाते हैं हम लोग। और ये देखिए हम लोग दुकान पर पहुंच गए, और दुकान पर पहुंचकर मैंने टिफ़िन को रख दिया यहाँ पर, बाद में इसी जगह पर हम लोग खाना खा लेंगे। टू लॉक जेरोक्स। और ये देखिए बच्चा आकर जैकेट भी उतार रहा है शॉप पर। हाँ, और ये देखिए मैं दुकान पर पहुंच गई हूँ और आके यहाँ पर बैठी हूँ, तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं अपना दुकान का भी वीडियो जरूर आप सबको दूंगा, तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए।